अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक वेबसाइट का एक सिंपल सा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। तो मैं फ़ोटोशॉप CS3 यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ़ाइल पे जाकर न्यू पर क्लिक करें, और यहाँ से मैंने वेब प्रीसेट वेब सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से साइज़ जो है इसका 640x480 सेलेक्ट किया। आप इधर से 800x600 भी कर सकते हैं, या 1024x768 भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 640x480 सेलेक्ट किया है, और मैं ओके क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से फिल रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया है, और इधर मैं रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया है। इसका कलर जो है ना, यहाँ से मैं येलो क्लिक कर देता हूँ, और थोड़ा सा लाइट सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ओके इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं नया एक रेक्टेंगल टूल इसी तरह सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ एक नया रेक्टेंगल मैं बनाऊँगा, और ये राउंडेड रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है जी। और इसका कलर जो है, यहाँ से मैं ये स्वेचेज में से कलर मैं कोई सा सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर मैं एक नया रेक्टेंगल बनाऊंगा, राउंडेड रेक्टेंगल ही सेलेक्ट करूंगा उसी तरीके से जिस तरह पहले किया है। अच्छा, नया रेक्टेंगल इधर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रा कर दिया है। और इसका कलर जो है ना, वो यहाँ से यही चूज़ करेंगे, ये जो लाइट येलो है। तो लाइट येलो जब इस पर हम ये वाला अपना आई ड्रॉपर लाएंगे, तो ये इस पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लिक कर दें। अच्छा, ये आपने देखा है इसके बॉर्डर जो है ना, इसके साइड पे लग गया, तो इसको रिमूव करने के लिए इस पर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम फुटर अपना बनाएंगे एक, इसी तरह सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल। तो इसका कलर भी जो है वो लाइट येलो में इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, और यहाँ से अब मैं जो साइड पे जो साइड बार बना होता है उसको मैं बनाता हूँ। तो यहाँ से रेक्टेंगल, अब हमने राउंडेड रेक्टेंगल नहीं चुनना है बल्कि रेक्टेंगल टूल चुनना है। ठीक है, इसको फिल वाला रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इस पे मैं लाऊंगा, और यहाँ से ये बन गया। ठीक है, तो इसका कलर जो है ये लाइट येलो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं ऑल्ट की प्रेस करके और इस पे माउस ला के ड्रैग करूँगा। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कंट्रोल सेट करके इसको थोड़ा सा ना ये राइट एरो में दबा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आगे चला जाए। अच्छा, अब मैं ऑल्ट की दबा के इसको ड्रैग करूँगा मूव टूल से, और अब कंट्रोल के क्लिक करूँगा इस पे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्लिक करें, और इसका कलर जो है ये हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी तरह इसको और ड्रैग करें नीचे की तरफ, और एक और दफ़ा ऑल्ट ड्रैग करें। इसको मैं अब अपने एरो की से मदद से मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कंट्रोल क्लिक, और एरो में ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ये सेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने अपना मेन्यू ऊपर वाला बनाना है, तो इसके लिए एक नई लेयर सेलेक्ट करेंगे। इसको सबसे टॉप वाली लेयर सेलेक्ट करके नई लेयर बनाएंगे, और यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से बनाएंगे एक टूल, सेलेक्ट करेंगे एरिया एक, ये एक हम लाइन बनाना चाहते हैं, तो लाइन ये सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, ये सही सिलेक्शन नहीं हुई है, इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है, सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ऑल बैक स्पेस दबाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल डी दबाएं डी सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से मैं टी टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और इधर मैं जो है लिख देता हूँ साइज, अब अपना हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लिखूँगा होम और इसको मूव टूल से सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, एरो की मदद से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ऑल्ट की दबा के इसको आगे ले जाऊंगा, थोड़ा सा ड्रैग करके ये कॉपी बन जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा ऑल्ट की दबा के इसको मैं आगे ले जाऊंगा, एक और दफ़ा ऑल्ट की दबा के इसको आगे ले जाऊँ। अच्छा, अब हम इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे होम पे और टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे डबल क्लिक करके इधर लिख देंगे अबाउट अस। ठीक है, फिर मूव टू पे सेलेक्ट करके कंट्रोल क्लिक और टी दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे सर्विसेज। इसी तरह फिर मूव टू पे करके कंट्रोल क्लिक और टी सेलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस थोड़ा सा आगे हो गया, इसको कंट्रोल क्लिक दबा के थोड़ा सा पीछे कर दें। सही है, तो यहाँ मैं फुटर में अपना लिख देता हूँ कॉपी राइट। ये अमूमन इसी तरह लिखा होता है फुटर पे। ठीक है जी, अच्छा तो आज का ट्यूटोरियल तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप अपने जो है ना साइड बार में कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, अबाउट अस वगैरह, जो भी आप साइड बार पे पेजेस वगैरह बनाना चाहते हैं वो इधर लिखेंगे तो जो भी एक्टिव होगा उसका कलर जो है लाइट येलो हो जाएगा और यहाँ पे उसकी जो है ना कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है किसी किस्म का भी कोई फोटोशॉप में मसला हो तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है जी, आप मुझे इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकें। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही रहता हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मेरे से कोई मसला हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल मैं कंप्लीट करता हूँ, थैंक यू।